जामवंत जी कितने शक्तिशाली थे, बेशक आपने इस नाम के बारे में रामायण सीरियल में देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। जामवंत जी की तुलना स्वयं रावण से, मेघनाथ से, बाली से और स्वयं बजरंगबली से भी की जाती है। क्या जामवंत जी आज भी जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो गई है? अगर वह जीवित हैं तो कहाँ हैं, और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जामवंत जी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। क्या सच में जामवंत जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे? कैसे कहा जाता है कि एक वृद्ध भालू अगर चाहता तो रावण का ही एक बार में ही अंत कर देता? जामवंत जी अगर ऋषियों के राजा थे तो कैसे वह अमर थे? वह कैसे चिरंजीवी बने? कैसे वह सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित थे? जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ तब भी वह थे और कलयुग के अंत तक भी वह मौजूद रहेंगे, कैसे इनका जन्म हुआ? सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे जामवंत जी भगवान विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का प्रशिक्षण करेंगे? बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चलते हैं उस समय जब यह समय भी नहीं था, जब पृथ्वी, हवा, पानी कुछ भी नहीं, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले ही थे, जब ब्रह्मांड नहीं था तो केवल शून्य उस जमाने में था। उस जमाने में भगवान विष्णु ने जल का धरातल का निर्माण किया और शुरुआत हुई सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा ने पृथ्वी बनाया, पेड़ पौधे बनाए, झरने, नदी, फूल बनाए, सभी चीज़ों को बनाया। मनुष्य की रचना करने ही वाले थे कि उस जमाने में दो राक्षस का जन्म हुआ जिनका नाम मधु और कैटभ था, जो भगवान विष्णु के कानों से उनका जन्म हुआ था। वह राक्षस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और सभी देवताओं को हराकर अधिकार कर लिया था। देवताओं पर अत्याचार करने लगे, अब किसी से भी वह नहीं डरते थे। एक दिन यह अपने अभिमान में चूर होकर भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और इन्होंने भगवान ब्रह्मदेव से युद्ध करने की चुनौती दे दी। यह बात स्वयं भगवान ब्रह्मदेव जानते थे कि इनको मारना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए ब्रह्मदेव ने क्रोध में आकर अपना पसीना निकाल दिया और ब्रह्मदेव के पसीने से जामवंत का जन्म। जामवंत जी के जन्म के कितने वर्ष हो गए आज तक कोई नहीं जानता है, और कोई भी विद्वान यह नहीं बता सकता है कि जामवंत का जन्म कितने दिन पहले हुआ। जामवंत जी का जन्म सतयुग से पहले हुआ था, जब यह इस युग को भी नहीं बनाया गया था, और तब उनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर सभी अवतारों को जामवंत जी ने अपनी आंखों से देखा है। कम्ब रामायण में यह लिखा मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और तीन पग से समस्त लोगों को नाप लिया था, तब इन सभी लीलाओं को जामवंत जी अपनी आंखों से देख रहे थे और बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि जामवंत जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने यह ठान लिया था कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के लीलाओं का प्रचार करूंगा। बस इसीलिए जामवंत जी ने वामन अवतार की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, और भगवान विष्णु का वह अवतार जो कई ब्रह्मांडों से भी बड़ा था, जामवंत जी ने केवल तीन क्षण में उनकी 21 बार परिक्रमा कर लिया। ऐसे थे जामवंत जी। जामवंत जी के पास उनके युवा अवस्था में इतनी शक्ति थी कि उसका हद नहीं था। जब वह परिक्रमा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह भगवान विष्णु के तेज का प्रचार कर रहे हों। उनके दौड़ने की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। उनके पैर का नाखून महामेरु पर्वत में लग गया था और उस पर्वत ने क्रोध में आकर जामवंत जी को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुम्हें अपने युवा अवस्था में अपनी गति का घमंड है, उसी प्रकार इसी समय तुम्हारी सारी युवा अवस्था वृद्धावस्था में बदल जाएगी। तुम बूढ़े हो जाओगे और लगातार तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। किष्किंधा कांड के अंदर जामवंत जी सारे वानरों की गति नाप रहे थे। कोई वानर कहता था मैं 50 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, कोई वानर कहता था मैं 60 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, कोई वानर कहता मैं 30 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। तब जामवंत जी ने कहा
मैं 90 योजन की पूरी छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन यह सागर 100 योजन का है। मैं जब युवा था तब मैंने 3 क्षण में 21 बार भगवान वामन की परिक्रमा की थी। तब जाकर सारे वानरों को यह पता चल पाया था कि जामोद जी के पास कितना पराक्रम है, कितनी शक्ति है। यह सागर 100 योजन की दूरी का है, सिर्फ हनुमान जी ही इसे छलांग लगा सकते हैं। लेकिन यह बात बजरंग बली भूल चुके थे, क्योंकि वह श्राप के कारण अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे। उनकी शक्तियों को याद दिलाने वाले भी जामवंत जी ही थे। कंभ रामायण में बलि के समय जामवंत जी का होने का प्रमाण मिलता है, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जामवंत जी का जिक्र त्रेता युग में मिलता है, लेकिन जामवंत जी का वर्णन भगवत पुराण में भी मिलता है। जब सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनके पिता का नाम था सत्राजीत, जिनके पास एक मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक मणि, उसको भगवान सूर्य ने सत्राजीत को दिया था। सत्राजीत के छोटे भाई ने उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार करने के लिए वो जंगल में चले गए थे, और वह एक शेर के द्वारा मारे गए थे। उस मणि को उस शेर ने रख लिया था। उनकी लाश के साथ जामवंत जी ने उस मणि को प्राप्त किया था। सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण को मणि की चोरी का इल्जाम लगा दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे चोरी का लांछन को हटाने के लिए जामवंत के गुफा में घुस गए थे। वह मणि वहीं पर थी। उस मणि को लिए जामवंती खेल रही थी, जो जामवंत की पुत्री थी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का 28 दिन तक युद्ध चला था। माना जाता है उस समय जामवंत जी बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। रामायण काल में जामवंत जी की उम्र 6 मन्वंतर की थी। जब श्री कृष्ण का उनका सामना हुआ तब उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी। युद्ध करते हुए जामवंत जी कमजोर पड़े, तब उन्होंने श्री राम को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्री राम के रूप में दर्शन कराया, और स्वयं जामवंत जी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया। कृष्ण कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं, जो समय समय पर अपने नए नए रूप में अवतार लेते रहते हैं और पापियों का नाश करते हैं। जामवंत जी का वर्णन हमें रामचरितमानस में भी मिलता है। जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, उस दौरान रावण बहुत भारी मात्रा में वानर और भालुओं का नाश कर रहा था, वध कर रहा था। जामवंत जी ने दौड़कर उसको एक थप्पड़ मारा और उसके सीने पर प्रहार किया, जिससे रावण वहीं पर अचेत होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण के सारथी को लगा कि रावण दोबारा मारने से मर जाएगा, इसके डर से वो रथ लेकर भाग खड़ा हुआ। इतना बल था जामवंत जी के पास। जब इस बात का इंद्रजीत को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने जामवंत जी से कहा, मैंने बड़ी गलती की जो तुमको वृद्ध समझकर छोड़ दिया, तुम मेरा सामना करो। माना जाता है कि मेघनाथ अपने पिता रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। वह बड़े बड़े दैत्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उस समय उसके जितना शक्तिशाली कोई दूसरा राक्षस नहीं था। मेघनाथ ने एक शूल का प्रहार किया। उस शूल की गति इतनी तेज थी कि जितनी बिजली की गति होती है। जामवंत ने उस शूल को अपने दोनों उंगलियों से पकड़ लिया और उल्टे उसे मेघनाथ पर ही चला दिया, जिससे इंद्रजीत वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जामवंत की शक्तियों का पता यहाँ पर चलता है। लेकिन आप सोचते होंगे, इतनी शक्ति जामवंत जी के पास आई कहाँ से थी? तो आपको बता दें कि वह स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे। जहाँ एक तरफ जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव के 11वां रुद्रावतार स्वयं भगवान बजरंग बली जी थे। इसलिए इनकी शक्तियों की तुलना कोई नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि आज भी जामवंत जी जीवित हैं और कल्कि अवतार की इंतजार कर रहे हैं। वही भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करेंगे। जब नए युग की स्थापना होगी तो जैसे हर युग में उन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे ही इस नए युग में भी वह अपना योगदान देंगे। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा कि जामवंत जी हैं कहाँ? अगर वह जिंदा हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तो आपको दोस्तों बता दें कि यह बात सामने आती है उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ नाम के एक गांव में एक गुफा मौजूद है। यह गुफा बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है
वहां के लोगों का यह मान्यता है कि जयमंत जी कई हजारों साल तक इस गुफा में रहा करते थे। यहां पर गणेश जी और जयमंत जी की मूर्ति भी मौजूद है। माना जाता है कि जयमंत जी उसी गुफा में रहकर भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। और समय परिवर्तन होने पर किसने यहाँ पर गणेश जी और जयमंत जी की मूर्ति स्थापित किया, यह कोई आज तक नहीं जानता है। आज के समय हर साल दोनों मूर्तियाँ तिल तिल के बराबर बढ़ती रहती हैं। और दूसरी बात जयमंत जी के निवास स्थान की आती है कि मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के एक छोटे से गाँव जिसका नाम है जामथाल गाँव, वहाँ के लोगों का कहना है कि इस गाँव को स्वयं जयमंत जी ने स्थापित किया था। वहाँ जो गुफा है वहीं पर जयमंत जी आज भी रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि कलयुग में उनकी शरीर दिव्य शरीर हो गई है। हम उन्हें आज भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि जयमंत जी यह जानते हैं कि मुझे देखने वाला मेरे तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जयमंत जी यह भी जानते हैं कि वो जिसको चाहेंगे उसको अपना दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, आप भी जयमंत जी को आज भी देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए दिव्य दृष्टि, क्योंकि जयमंत जी के पास दिव्य शरीर है। तो दिव्य शरीर के लिए, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी जरूरी है। वो मिलेगी कहाँ से? तो उसको मिलने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। वो योग है ध्यान योग। ध्यान योग किसी अरे गरे आदमी के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना होगा। गुरु के मंत्र के बताए अनुसार आपको ध्यान योग करना होगा। आप किसी भी ईश्वर परमात्मा स्वयं भगवान नारायण से भी बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के। तब तक के लिए जय श्री राम।